नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं लेकर के आया हूँ झारखंड आईआरबी का झारखंड साहित्य से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले 17 दिसंबर के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में आधुनिक पत्रकारिता का आरंभ किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो झारखंड में आधुनिक पत्रकारिता का आरंभ जो है वो 1872 से माना जाता है, जब घर बंधु नामक पत्रिका जर्मन मिशन द्वारा रांची में निकाली गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो आपको बताते चले कि झारखंड में पहला मासिक पत्रिका जो था वो 1872 में घर बंधु नामक पत्रिका निकाला गया था। तीसरा क्वेश्चन है, वनिता हितैषी कब से निकलना शुरू हुआ? तो बता दें, वनिता हितैषी जो है वो भाग्यवती देवी द्वारा सितंबर 1892 द्वारा निकाला गया था, और इसमें नारी के हितों की बात की जाती थी। तो आइए अब इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स जो होते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, जो कि है कि फर्स्ट ओवरऑल जो है कोई भी पत्रिका निकाले गए थे झारखंड में वो थी घर बंधु, और ये एक मासिक पत्रिका थी। दूसरा, नारी हितैषी जैसा बताया गया है कि 1892 में भाग्यवती देवी द्वारा निकाला गया था। फिर पहला साप्ताहिक पत्रिका जो थी, फर्स्ट ओवरऑल, वो था साप्ताहिक आर्यवर्त, 1898 से 1905 तक बी के सहाय द्वारा। फिर छोटा नागपुर पत्रिका, ये निकाला गया था ममराज शर्मा द्वारा 1924 में। फिर झारखंड पत्रिका, जी हाँ, एक ऐसा पत्रिका जिसका नाम झारखंड था वो निकाला गया था राधाकृष्ण द्वारा गुमला से। फिर आते हैं आदिवासी साप्ताहिक, जी हाँ, ये 3 जनवरी 1947 को राधाकृष्ण द्वारा निकाला गया था, और इनकी जो फर्स्ट 3 प्रिंट्स थी वो नागपुरी में निकाली गई थी। और अगर पूछा जाए कि झारखंड का पहला, जी हाँ, पहला डेली राष्ट्रीय पत्रिका वो कौन था? राष्ट्रीय भाषा, जिसको निकाला था बटुकदेव शर्मा ने 1950 में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? तो जैसा बताया गया है, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र 1898 में आर्यवर्त था। साप्ताहिक आर्यवर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1898 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नीतियों के विरुद्ध झारखंड के में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला कौन पत्रकार था? तो ये बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, सखाराम गणेश देउस्कर। तो आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। सखाराम गणेश देउस्कर वो दो बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखे हैं, जो है पहला है देशेर कथा, दूसरा है तिलकेर मुकदमा, और ये आपको पता होना चाहिए कि हितवाद के एडिटर भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ममराज शर्मा के संपादक में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? जी हाँ, ये प्रारंभ हुआ 1924 में। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? एक ट्रिक है याद करने का, वो है देखिए, छोटा मामा, छोटा मामा याद रहेगा। तो छोटा नागपुर पत्रिका कौन निकाला है? छोटा मामा यानी ममराज शर्मा ने। आगे बढ़ते हैं, तितकी किस भाषा की पत्रिका है? तितकी बहुत ही फेमस पत्रिका है, और ये है खोरठा में, जी हाँ, हमारे खोरठा भाषा की पत्रिका है ये। आगे बढ़ते हैं, ग्राम निर्माण के संपादक कौन था? तो जी हाँ, ग्राम निर्माण के संपादक थे नारायण जी, आप इसे याद रख सकते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो ब्रह्मा का काम होता है सृजन करना, विष्णु का काम होता है उनका लालन पालन करना, और महेश यानी भगवान शंकर का होता है उनका विनाश करना। तो उसी तरह से याद रखते हैं कि ग्राम निर्माण का होता है यानी उसका लालन पोषण का काम जो होता है वो नारायण जी का काम था। एक ट्रिक है याद करने का। आगे देखते हैं, झारखंड का पहला दैनिक पत्र, तो जैसा बताया गया था, झारखंड का पहला दैनिक पत्र जो था वो 1950 में निकाला गया था, इसका नाम था राष्ट्रीय भाषा। आगे बढ़ते हैं, हास्य पत्रिका हसोड़ कहाँ से निकलता था? तो जी हाँ, हास्य पत्रिका हसोड़ जो था वो
रांची से निकलता था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी व मजदूर सेना मजदूर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो जी हाँ, आगे स्लाइड में देखते हैं, ये निकालते थे मजदूर आवाज। आगे बढ़ते हैं। किस पत्रिका के माध्यम से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के रचनाकारों की कई पीढ़ियां तैयार हुई? तो जी हाँ, ये आदिवासी, ये पत्रिका है आदिवासी, जो कि 3 जनवरी 1947 को शुरू गई थी। ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी पत्रिका का आरंभिक 3 अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो आपको बताना है, आदिवासी पत्रिका का आरंभिक 3 भाग जो था वो नागपुरी में शुरू हो गया था, उसके बाद हिंदी में और आगे फिर मुंडारी में भी शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन था? तो जी हाँ, साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक थे प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए किसी को बिजली का झटका लगता है तो एक प्रफुल्लित हो जाता है वो, एक तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह से याद रख सकते हैं। मे बी वो अगर सही नहीं हो, लेकिन बट याद रखने का ट्रिक यही है कि बिजली का झटका अगर लगेगा तो वो प्रफुल्ल हो जाएगा, तो प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त। आगे बढ़ते हैं। किस संपादक की हत्या यूरेनियम तस्करों द्वारा की कर दी गई थी? तो जी हाँ, ये संपादक थे शंकर लाल खिरवाल। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है टॉप 20 जो थे झारखंड साहित्य से रिलेटेड, और आगे भी हम ऐसा पेपर लेते आएंगे आपके सामने, इनको जरूर देख के जाइए। और 17 दिसंबर को इनमें से इस 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी हम जल्दी लेके आएंगे, झारखंड साहित्य से जितने भी और भी क्वेश्चंस हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे झारखंड साहित्य से रिलेटेड, और इससे बाहर झारखंड साहित्य से कुछ भी नहीं आएंगे। थैंक यू।